अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र था शशि। अनेक रविवार श्री रामपुर में आश्रम में बिताया करता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने भी लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से एक साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मित्र की ओर प्रेम किंतु रोष के साथ कहा, मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मुझे अपने बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है, आप है ना श्री युक्तेश्वर जी, तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। शशि, मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ गुरुदेव, और वैसे भी यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरी रक्षा कर लेंगे। श्री युक्तेश्वर जी, तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम लेकर आओगे, तब भी उससे तुम्हारा कोई रक्षण ना होगा। इस थोड़े बहुते फेरबदल की अतिरिक्त बातों के अलावा फिर नियमित रूप से बातें चलने लगी। 1 वर्ष बीत चुका था। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेंद्र बाबू के घर पर गुरुदेव से मिलने गया, जहां वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल की एक बैठक में बैठे हुए थे, तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, यह शशि है, 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं, उसने मेरी बात नहीं मानी, उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं भी उस समय स्तब्धित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा कि वे यहाँ हो सकते हैं, हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेल कर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए और कहा, गुरुदेव किस नीलम को धारण करने से मेरा रक्षण हो पाएगा? डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है, वे कहते हैं मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगा। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप चाहें तो मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी, अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है? अपने रत्न उठाओ और यहाँ से लेकर चले जाओ, उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान बैठ गए। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां और आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी धड़कन में एक बात आई कि गुरुदेव शशि के विश्वास की गहरी परीक्षा लेने के हेतु ही ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके 1 घंटे तक तनावपूर्ण समय बीतने के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूति दृष्टि डाली तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। श्री युक्तेश्वर जी, उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है, ये नीलम जोरी को वापस ले जाकर दे दो, इन पर व्यर्थ में अब खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले लो और उसे पहनो, घबराओ मत, कुछ ही सप्ताह में तुम ठीक हो जाओगे। शशि,
पूछे गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाइयां भी लेता रहूं? श्री युक्तेश्वर जी, जैसा तुम चाहो, उन्हें चाहे लो या फेंक दो, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चांद का आपस में स्थान बदल लेना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहाँ से चले जाओ। घबरा कर शशि ने उन्हें तुरंत नमस्कार किया और शीघ्रता से वहां से चलता बना। अगले कुछ सप्ताहों में अनेक बार जाकर मैं शशि से मिला और दिन प्रतिदिन उसकी बिगड़ती अवस्था को देखता रहा और हैरान भी होता रहा। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर, मेरे मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर मैं शीघ्रातिशीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृतांत को गुरुदेव चुपचाप सुनते रहे। श्री युक्तेश्वर जी, तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आ गए हो? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ के लिए आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना भी बंद हो गई थी। अर्धभूलित नेत्रों में मानो वो किसी दूसरे लोक में ही चले गए हो। मैं तुरंत लौटकर कलकत्ता में शशि के घर गया और विस्फारित नेत्रों से देखता ही रह गया। मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ था और दूध पी रहा था। ओ मुकुंद, शशि ने कहा, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति का अनुभव किया और उसी क्षण से मेरा भयंकर रोग मानो गायब ही हो गया। मुझे लगता है गुरुदेव की कृपा ने ही मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया है। मैंने देखा, कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना वो पहले भी कभी नहीं था।